हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ सूजी और आलू से बनी सेव भुजिया की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर के तैयार होती है। तो चलिए इसे फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है। आप इसे कप से भी मेजर कर सकते हो, और जिस कटोरी से मैंने सूजी लिया है उसी कटोरी से सवा कटोरी पानी लेना है। तो सबसे पहले पानी को बॉईल कर लेना है। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और पानी को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। और इसमें ऐड कर लेना है नमक। तो नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है, क्योंकि बाद में भी नमक ऐड करेंगे तो आप अपने स्वाद के अनुसार नमक ऐड कीजिएगा। और पानी में ही ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल। तो अब आप देख सकते हो पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है, लेकिन जब सूजी ऐड करेंगे तो सूजी ऐड करने से पहले गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें और उसके बाद इसमें सूजी ऐड करें। अब सूजी ऐड करने के बाद इसे चम्मच से मिला लेंगे और इसे ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल करके सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पर मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, और आलूओं को मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था। ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, इसे हम बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। और अब हम इधर सूजी को चेक कर लेते हैं। तो सूजी अच्छे से फूल चुके हैं, तो इसे हमें बहुत ही अच्छा सॉफ्ट सा डो लगाना है। तो इसके लिए हम इसे प्लेट या थाली में निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि हाथों में हल्का सा तेल लगा लेंगे और हाथों को चिकना कर लेंगे, और इसे अच्छे से मसलते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर सूजी का तो अच्छा सा डो तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो मैंने आलू को ग्रेट करके रखा हुआ था ना, इसमें हम इसे मिला लेंगे और इसे भी इसके साथ मसलते हुए इसे अच्छे से एक सार कर लेना है और इसका सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से मसलते हुए एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर कढ़ाई को रख देते हैं गैस पर और इसमें ऐड कर लेते हैं तेल। और इधर मैंने लिया है सेव बनाने वाली मशीन। तो इसमें जो है ना, 2 जाली है, तो एक सबसे बारीक वाली है और एक उससे थोड़ी सी मोटी है। तो जो थोड़ी सी मोटी है उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन में थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के इसे चिकना कर लेंगे और थोड़ा सा हाथों में भी लगा लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो हमने डो तैयार करके रखा हुआ है ना, इसे थोड़ा सा लेकर के मशीन के अंदर डाल देंगे और इसके ऊपर से इसके जो कैप है ना, इसे लगा करके अच्छे से पैक कर लेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर लिया मैंने कि ये सेव अच्छे से बन रही है कि नहीं। तो बिल्कुल अच्छे से बन रही है और तेल भी अच्छा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें सेव बनाना शुरू कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमें एक बार में जितनी सेव इसके अंदर आ जाए उतने ही हम बनाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि तेल बिल्कुल गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई करके रखेंगे। और ये जब हम सेव इसके अंदर डालते हैं ना, तो पूरी तरह से इस पर झाग आ जाता है। तो जब वो झाग शांत हो जाए तभी हम इसे पलटने की कोशिश करेंगे, नहीं तो ये बीच में जब पलटना शुरू करेंगे ना तो ये टूट भी सकती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बन करके तैयार होती है सेव। तो अब आप देख सकते हो मैंने इसे अच्छे से तल लिया है, इसका कलर भी बहुत ही बढ़िया आया है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो ये सेव भुजिया जो है ना, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी खस्ता बनकर के तैयार होती है। तो इसी तरह से हम सारे सेव जो है बना करके तैयार कर लेंगे, और इसे बनाना भी आसान है। और ये थोड़े से ही सूजी में खूब सारी बन करके सेव तैयार हो जाती है। तो आप देख सकते हो मैंने खूब सारी सेव जो है ना बना करके तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मूंगफली को तल करके रखा हुआ था, उसे भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। मूंगफली डालने से और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगते हैं ये सेव नमकीन। तो अब इसमें ऐड कर लेंगे काला नमक। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था कि सूजी में आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऊपर से भी इसमें थोड़ा बहुत नमक ऐड होता है। तो काला नमक ऐड कर लिया मैंने। अब इसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। आप यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। अब इन्हें हल्के हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसी सेव भुजिया से मैं थोड़े से अलग से नमकीन बनाना चाह रही थी, जिसमें मैंने थोड़ा सा पोहा ऐड किया है।
तो पोहे को मैंने तल लिया था और जो मूंगफली तली थी ना, इसी में से थोड़ी सी मूंगफली भी ऐड की है और जो मसाले उसमें ऐड किए हैं नमकीन में, चाट मसाला, काला नमक और लाल मिर्च पाउडर, तो वही सब मसाले इसमें भी ऐड कर लिए हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर मुझे लगा कि फिर इनको अलग क्या करना है, इन सबको एक साथ मिक्स कर लेते हैं, तो मैंने इसे भी उसी नमकीन में ऐड कर लिया है और इसे मिला लिया है। तो इस तरह से आलू और सूजी की टेस्टी सेव भुजिया बन करके तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका कलर आप देख सकते हो कितना बढ़िया कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी सी बन करके तैयार होती है ये सेव भुजिया। तो आप इसे जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा, इसलिए आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।